हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक जो कि है ह्यूमैनिटीज़। तो देखते हैं ह्यूमैनिटीज़ क्या है, ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो लिखा है ह्यूमैनिटी इंक्लूड डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन्स मतलब मान लो सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री। तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या आता है, हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री जो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ में क्या आ रहा है, हिस्ट्री। फिर क्या आ रहा है, आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो जो हम ज़मीन खोद के उसमें से चीज़ें निकालते हैं, है ना, एक्सकवेशन करते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री आता है, आर्कोलॉजी आता है, सोशियोलॉजी आता है। सोशियोलॉजी मतलब समाज को पढ़ते हैं, लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, अलग अलग ग्रुप कैसे काम करती है, वो सब किस में आता है, सोशियोलॉजी मतलब समाज के बारे में, लोगों के बारे में। फिर एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को ऐसे मान लो कि इसमें हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, पहले इंसान कैसा था, अब इंसान कैसा है, पहले उसका दिमाग कैसा था, बॉडी का साइज़ कैसा था, ब्रेन कितना डेवलप था, तो वो सब किस में देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में। मैं ये सिंपलेस्ट बता रहा हूँ। फिर पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस भी देखो हम अभी पढ़ते ही हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, एक देश कैसा होना चाहिए, वो सब किस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में, है ना। फिर कौन सी पार्टीज़ है, इलेक्शंस, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस। और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि भाई जीडीपी, तुमने कभी सुना होगा ना कि भाई जीडीपी आया है, वो मतलब कुल मिला के देश में जो पैसे के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो किस में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स और एक्सेट्रा। तो देख रहे हो ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, आर्कोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो कुल मिला के ह्यूमैनिटीज़ का मतलब ये समझ सकते हो कि एक इंसान, उसका इतिहास, उसका समाज। देखो हिस्ट्री में इंसान पढ़ लोगे, उसका इतिहास पढ़ने के लिए तुम आर्कियोलॉजी में जाओगे, उसका समाज को पढ़ने के लिए तुम सोशियोलॉजी में जाओगे, कैसे लोगों का बिहेवियर है वो सोशियोलॉजी में देखोगे, उसका इवोल्यूशन देखने के लिए तुम एंथ्रोपोलॉजी देखोगे, कैसे वो उसका जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे सब कुछ चल रहा है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की, डेमोक्रेसी, मोनार्की मतलब क्या होता है कि कहीं वहाँ पे राजा का राज है क्या, वो सब तुम कहाँ देखोगे, पॉलिटिकल साइंस में। वहाँ का पैसा पानी कैसा चल रहा है, सब इकोनॉमी कैसे चल रही है, वो इकोनॉमी में देखोगे। तो कुल मिला के ह्यूमैनिटीज़ में पूरा समाज, इंसान का इतिहास, इंसान खुद कैसा बना, उसकी सोसाइटी, ये सब कुछ किस में आ जाता है, ह्यूमैनिटीज़ में। अब इनके बारे में बहुत डिटेल भी हम जा सकते हैं कि टॉपिक सोशियोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी, पर इतना तो मैं भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या होगा, यहाँ से तुम क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हो, लिख देगा ह्यूमैनिटीज इंक्लूड्स डिसिप्लिन्स लाइक, और चार पांच तुम्हें बॉक्स दे देगा, ठीक है। तो बीच में लिख देगा इस बॉक्स में कि भाई ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या आता है, और साइड में तुम्हें 5-6 बॉक्सेस दे देगा। एक सेकेंड, मैं इसे कर देता हूँ मैन्युअली क्लियर, ठीक है। अब देखो तो ऐसा एक बॉक्स बनाएगा, यहाँ पे लिखेगा भाई ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन बताओ, और यहाँ तुम्हें ऐसे बॉक्सेस दे दिया जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो इन चीज़ों को तुम्हें भूलना नहीं है कि यार पीछे नहीं दिया हुआ, टेक्स्ट बुक के जाने दो, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें से जो बहुत इजी तुम्हें याद रख लेना है कि यार मिनिमम ये तो याद रखो ही कम से कम 4 नाम, ईजीएस्ट में देखो हिस्ट्री तुम पढ़ते ही हो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक की है तो ह्यूमैनिटीज़ में हिस्ट्री आता है। पॉलिटिकल साइंस तुम पढ़ते ही हो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक की है तो भाई पॉलिटिकल साइंस भी आता है ह्यूमैनिटीज़ में। इकोनॉमिक्स तुम याद रखो, पैसे पे ही दुनिया अब चल रही है तो भाई इकोनॉमिक्स भी याद रख सकते हो। और आर्कियोलॉजी की बात हम बहुत बार करते हैं हिस्ट्री में, तो आर्कियोलॉजी भी तुम याद रख सकते हो। तो ये मैंने तुम्हें इजीएस्ट बताया कि ये तुम्हें मिनिमम याद रखना ही है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और आर्कियोलॉजी। फिर सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी अगर याद कर पाओ तो वेल एंड गुड। चलो अब आगे चलते हैं। टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस डिसिप्लिन्स इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग। तो बोल रहे किसी सीखने के, लर्निंग मतलब सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनका ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ, बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें कुछ सीखना है ना, वही लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जाने कि ये सारे डिसिप्लिन्स मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स इनका शुरुआत क्या था और इनका डेवलपमेंट क्या था और कैसे ये डेवलप हुए।
तो हमें हमारे जीवन में हमें सीखने के लिए क्या बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि ये सारे डिसिप्लिन्स हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब का ओरिजिन क्या था और इन सब का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब अगले पॉइंट में तुम्हें बताएगा कि कोई भी डिसिप्लिन ले लो, हिस्ट्री ले लो, आर्कोलॉजी ले लो, साइंस ले लो, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई भी डिसिप्लिन ले लो, इन सब का ओरिजिन कॉमन होता है। इन सब का जो ओरिजिन होता है ना, वो कॉमन होता है। अब तुम्हें लगे यार ऐसे कैसे, बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, ऑल डिसिप्लिन आर सपोज टू बी हैव देयर ओरिजिन इन फिलॉसफी। तो जितने भी हमने डिसिप्लिन देखे, कौन से डिसिप्लिन देखे याद कर लो भाई। ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन का नाम जो इजी इजी मैंने बताया था, एक मैंने बताया था हिस्ट्री, एक मैंने बताया था पॉलिटिकल साइंस, फिर मैंने बताया था इकोनॉमिक्स, फिर एक इजी में कौन सा मैंने बताया था तुम्हें, आर्कियोलॉजी। दो और अगर याद करना हो तो वो कौन से थे, एक था एंथ्रोपोलॉजी है ना, और एक और था, वो था सोशोलॉजी। तो ये सारे डिसिप्लिन हमने देखे थे, और बोल रहा है ये सारे डिसिप्लिन का ओरिजिन, ये सारे जो तुम डिसिप्लिन देख रहे हो ना, इसकी कहीं ना कहीं ओरिजिन मतलब शुरुआत किस में है, इसकी शुरुआत है फिलॉसफी में। अब इस बात को भी समझते हैं कैसे। देखो फिलॉसफी मतलब क्या होता है वो समझ लो। तो हम सब फिलॉसफी है, फिलॉसफर है, मैं बोल रहा हूँ हम सब फिलॉसफर है। मतलब क्या है कि अर्ली टाइम में जाके देखो, जैसे तुम अभी तुम्हारे मन में ना बड़ी क्यूरियोसिटी होती होगी कि यार हमारा जन्म क्यों हुआ, और मरते क्यों हैं, रात को सो जाते तो नींद क्यों आती है और फिर सुबह उठते है ना, फिर ये सन क्यों है, ये मून क्यों है, ये सब कैसे बने। तो हर चीज़ क्या है, क्वेश्चन है हमारे मन में हर चीज़ को लेके। और जब तुम इसी क्वेश्चन को आंसर करते रहते हो तो वो अलग अलग डिसिप्लिन बन जाता है। जैसे कि मान लो एक मन में सवाल आया, एक फिलोसोफर, उसके मन में सवाल आया कि भाई ये पेन अगर मैं छोड़ूं तो नीचे क्यों गिरता है। तो ये ओरिजिन क्या थी, फिलॉसफी थी ना, एक सोच थी। और उसने जब खोज कर लिया कि अच्छा पेन नीचे गिरता है, ये ग्रेविटी है, तो बोल देगा भाई ये फिजिक्स का हिस्सा हो गया। वैसे ही उसके मन में आया होगा कि यार ये इंसानी शरीर में क्या क्या होता है, ये उसकी सोच थी, वो फिलॉसफी थी कि यार सोचते हैं इंसानी शरीर में क्या थी। लेकिन जब उसने पूरा उसकी पढ़ाई कर लिया तो एक अलग डिसिप्लिन बना दिया और वो क्या बन गया, बायोलॉजी बन गया। लेकिन हर चीज़ की शुरुआत कहाँ है, फिलॉसफी में। हाँ जब तुम उसकी खोज कर लेते हो, उसके बारे में बता देते हो, तो उसका एक अलग डिसिप्लिन में चल जाता है। जैसे एक डिसिप्लिन हमने देखा फिजिक्स, एक डिसिप्लिन हमने देखा बायो बन गया, फिर एक डिसिप्लिन जैसे हमारे मन में यार हमारे से पहले कौन थे, हमारे पूर्वज कौन थे, जब हम वो सब जान लेते हैं तो एक अलग डिसिप्लिन बना देते हैं, और वो क्या है, हिस्ट्री। लेकिन इन सब का ओरिजिन क्या है, फिलॉसफी। समझ गए ना कि कोई भी अलग अलग डिसिप्लिन हम देखें, इनकी ओरिजिन क्या है, इनकी शुरुआत क्या है, वो एक सोच है, वो फिलॉसफी है। ठीक है, फिलॉसफी क्या है कि तुम जो जो हमारे मन में इतनी क्यूरियोसिटी है, तुम्हारी सोच है, उसी को तुम क्या कह सकते हो कि भाई ये क्या है, फिलॉसफी। और जब तुम आंसर करोगे तो अलग अलग डिसिप्लिन में उसको बैठा देते हो कि भाई ये फिजिक्स का हो गया, ये बायो का हो गया, ये हिस्ट्री का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। एंशियंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेक्यूलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो जो भाई पुराने लोग के आज के भी तुम लोग देख लो, पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड इन लोग ने कोशिश की स्पेक्यूलेट करने का, मतलब एक गैस करना है ना, क्या गैस कर रहे हैं ये लोग, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई समझते हैं क्या रिलेशनशिप है इस ब्रह्मांड का और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का। जैसे बहुत सवाल है कि भाई ये पूरे ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड बना है और हम हैं, इंसान हैं, क्या रिलेशन है हमारे बीच में, है ना, इंसान क्यों है, इंसान कैसे आया, ये ब्रह्मांड क्या है, इसके बीच में बहुत पूरे दुनिया भर के लोगों ने बहुत ज़्यादा गैस करने की कोशिश की है। इवन एक समय ये था, देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि भाई यूनिवर्स कैसे कब बना और ह्यूमन कैसे कब बने, क्या ह्यूमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी या नहीं है, या हमने अपने दिमाग में इंसान को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अर्थ जो बना है वो बना है 450 करोड़ साल पहले। जो पहली बार लाइफ तुम्हें अर्थ पे देखने को मिली है वो है 370 करोड़ साल पहले, और पहली बार जो इंसान देखने को मिले वो है कुछ लाख साल पहले, लाखों में वो आएगा।
तो देख रहे हो, लाइफ सबसे पहले कब देखने को मिल रहा है? 370 करोड़ साल पहले। और इंसान कब देखने को मिल रहा है? कुछ लाख साल पहले। अब क्या इंसान इतना ज़रूरी है? इतना ज़रूरी तो इतना लाख साल क्यों लग गया भाई इसको आने में? 370 करोड़ साल पहले कोई एक पहली लाइफ आई थी, और इंसान को आने में कितने करोड़ साल लग गए? अगर इंसान इतना ही इंपॉर्टेंट था तो इतने लाख साल, इतने करोड़ साल क्यों लग गए उसको आने में? क्योंकि आज के टाइम में तो हम लगता है कि हम ही सबसे बड़े हैं, जानवर वानवर कोई बड़ा नहीं, हम ही सबसे बड़े हैं, तो हमें इतना समय क्यों लग गया? हालांकि पहला लाइफ इतने करोड़ साल पहले आ गया था। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के मन में कि भाई देखें, समझें क्या रिलेशनशिप है यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, कि भाई दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। अब जब ये सब समझने शुरू किया तो इससे क्या हुआ, समझने की कोशिश में, जब समझने की कोशिश की रिलेशनशिप, तो इट गेव राइज टू वेरियस माइथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। जब ऐसा समझने लगे तो लोगों ने बहुत सारे कल्पनाएं, बहुत सारी कहानियां, माइथोलॉजिकल कहानियां, मतलब ऐसी कहानियां जो सच नहीं है, मतलब लोगों ने बस सोची हुई है, उम्मीद है, बहुत सारी ऐसी कहानियां आने लगी। लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दिया कि भाई ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई होगी। अगर आज तुम देखो तो बहुत सारी स्टोरीज हैं कि वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई होगी, उसको हम क्या कहते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, क्योंकि हमें पता नहीं है वो सब स्टोरीज सच है या नहीं है। ठीक है, तो किस किस का इन्होंने गेस करना शुरू किया, किस किस का अलग अलग कहानी बनाना शुरू किया। एक तो ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई दुनिया कैसे शुरू हुई, द यूनिवर्सल ऑर्डर, ह्यूमन लाइफ, है ना, यूनिवर्सल ऑर्डर, कि पूरा भाई यूनिवर्स कैसा है, ह्यूमन लाइफ, इंसान का जीवन कैसा है, गॉड्स एंड गॉडेसेस, अलग अलग भगवान बनाना शुरू किया, मेल भगवान, फीमेल भगवान, रिचुअल्स, रिचुअल्स मतलब जो हम लोग परंपराएं फॉलो करते हैं, एंड देयर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन। तो भाई इंसान जब सोचने लगा ना कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, इंसान कैसे बना, तो उसने बहुत सारी ऐसी कहानियां बनाना शुरू की कि दुनिया कैसे बनी होगी, इंसान का लाइफ कैसा आया, अलग अलग भगवान कैसे आए, ये सब उसने अलग अलग कहानियां गढ़ना शुरू कर दिया था। फिर देखते हैं, रूट्स ऑफ फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग्स आर टू बी फाउंड इन द माइथोलॉजिकल स्टोरीज। तो भाई अगर तुम्हें ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज जितना भी तुम देख रहे हो ना, ये सब कैसे बने होंगे, कभी ना कभी कोई इंसान बैठ के तो सोच ही रहा होगा। ठीक है, और आज के टाइम पे अगर तुम देखो, आज भी इंसान क्या है, सोच ही रहा है कि भाई कैसे बनाए। कितने भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज आ जाएं, कितने भी सारे स्टोरीज आ जाएं, लेकिन आज भी हम समझ नहीं पाए हैं कि भाई दुनिया बनी कैसे है और क्यों बनी हुई है। वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर ह्यूमैनिटीज हैव थियोरेटिकल फाउंडेशन बेस्ड ऑन फिलोसॉफिकल थियरीज। तो वही बात बोल रहा है जो हमने पहले पढ़ी थी, कि जितने भी तुम ह्यूमैनिटीज़ में डिसिप्लिन्स देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं उनका फाउंडेशन कहाँ पे है, फिलोसफी में ही है। तो जितने भी तुम, वही बोल रहा है कि भाई जितने भी तुम ह्यूमैनिटीज़ में कहा गया वो डिसिप्लिन्स देखोगे, उसे कहीं ना कहीं फाउंडेशन, मतलब शुरुआत तुम्हें कहाँ देखने को मिलने वाला है, फिलोसफी में ही देखने को मिलने वाला है, जो हम पहले ही बात कर चुके थे। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो बोल रहे हैं अगर हमें समझना है कि किस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ के अलग अलग डिसिप्लिन आए, कैसे वो डेवलप हुए, तो खाली हम कैसे समझ सकते हैं, ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज। तो भाई हिस्टोरिकल नॉलेज से ही हम इन सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ह्यूमैनिटीज़ से, एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक पूरा आंसर एक दो ह्यूमैनिटीज़ पे, जो थोड़ा मुश्किल है ऐसा क्वेश्चन आना। दूसरा जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बहुत हाई है आने की, वो क्या है कि ह्यूमैनिटीज़ में क्या क्या आता है, तो हिस्ट्री आता है, आर्कियोलॉजी आता है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ये सब आता है। तो अगर तुम्हें आंसर लिखने को आ भी गया ना, तो तुम क्या कर सकते हो कि ह्यूमैनिटीज़ में सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट या डिसिप्लिन आते हैं वो लिख दो, कि हिस्ट्री आता है, आर्कियोलॉजी आता है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी आता है। फिर लिख दो कि भाई अगर हमें इन सब सब्जेक्ट का ओरिजिन और डेवलपमेंट समझना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बस ये लिखना है कि हमें इन सब सब्जेक्ट का ओरिजिन और डेवलपमेंट समझना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें कुछ ज़िंदगी में सीखना है तो। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत अच्छा है कि सारे डिसिप्लिन जो हमने देखा है, इनकी ओरिजिन कहाँ पे है, फिलोसफी में। फिर पूरे दुनिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, गेस किया कि भाई क्या रिलेशनशिप है यूनिवर्स और इंसान के एग्जिस्टेंस का। और ये जब उन्होंने कोशिश किया तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया बहुत सारे, जब उन्होंने सोचा तो बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज इनके मन में आए, मतलब ऐसी कहानियाँ, क्या पता वो सच है कि नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आई, और उस कहानी से इन्होंने जवाब देने की कोशिश किया कि इस दुनिया का ओरिजिन क्या था, इंसान का लाइफ कैसा था,
इंसान का लाइफ कैसा है, अलग अलग भगवान ये सब इन्होंने लाया, अलग अलग रिचुअल्स लाया, ठीक है। अगर तुम इतना भी करते हो तो ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट में ये लिख दो कि ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस डेवलपमेंटल स्टेजेस। हालांकि ह्यूमैनिटीज में सीधे सीधे क्वेश्चन आना मुश्किल है क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे है नहीं, शायद होगा भी, एक मिनट देख लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर होगा तो अच्छी बात है। देखो पीछे अगर क्वेश्चन देखें तो साइंस पे है, आर्ट पे है, मैनेजमेंट स्टडीज़ पे है, ह्यूमैनिटीज़ पे नहीं है, तो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ह्यूमैनिटीज़ को एक्सप्लेन करो ये तो मुश्किल है आना। लेकिन हाँ एक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमैनिटीज़ में कौन से डिसिप्लिन आते हैं ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो आई होप तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ समझ में आया हो, और हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके बाद का टॉपिक, और वो होगा हमारा अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट। थैंक यू।